से चला देंगे। सब्जी काट लेते हैं। देखिए बैंगन कितना फ्रेश है। हाँ एकदम साफ है। सूखे हैं बट मिर्ची अभी भी लगी हुई है। मैं अच्छे से आग जल चुकी है कचरे में जो पूनम दी झाड़ू लगाई थी। हाँ ये नीम का पत्ता है, इससे ना बहुत सारा कीटाणु भी भाग जाएंगे और मच्छर भी। दादी है एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है डे 3 नवरात्र का तीसरा दिन। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि आज का डे कैसा रहेगा और हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बने रहे ब्लॉग में। और आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवाती हूँ। चलिए चलते हैं मंदिर में। जय माता दी। आरती हो चुकी है तो मैं सिर्फ आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ। सो आज नवरात्र का तीसरा दिन है तो आज है माँ चंद्र घंटा देवी की पूजा। और हम आए हैं अभी मंदिर। तो माँ वहाँ पूजा कर रही है। जय बजरंग बली। लोग आ गए हैं मार्केट और लेते हैं सब्जी। बाजार यहाँ का सुबह का बाजार है। तो यहाँ पर बैगन पैक हो रहा है। तो हम आ गए हैं सब्जी मंडी। बहुत ही फ्रेश फ्रेश सब्जी है। तो यहाँ पर टमाटर ले रही है पूनम दी। यहाँ पर चूल्हा जल रहा है। चीज दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। पेड़ के पत्ते सूख गए बट मिर्ची अभी भी लगी हुई है। क्या कर रही हो पूनम दी। झाड़ू लगा रहे। लगा बहुत पत्ता गिर गया पेड़ पे। हाँ रोज ही पत्ता गिरता है। रोज ही इतनी सफाई होती है। तो पूनम दी जला रही है कचरे में आग। कचरे में आग बोला। नीम के पत्तों में सूख गया ना तो इसको जला देती है, इससे मच्छर भी भाग जाएंगे। हाँ पूनम दी ने सारा सफाई करके यहाँ पर कचरा को जमा कर दिया है। कचरा को इस तरह से जमा करके उसमें आग जला के साफ कर दी, इससे मच्छर भी भाग जाएंगे और जो भी कीड़े होते हैं वो सब भाग जाएंगे। तो चलो हो गया, ये धीरे धीरे जल जाएगा। पूनम दी यहाँ पर चटाई बिछा रही है, चटाई लगा रही है। पर हम लोग बैठे हैं सब्जी काटने के लिए। पूनम दी बनाएगी, क्या चीज सब्जी बनाओगी। आलू बैंगन की। और वहाँ देखो कितना सुंदर आग जल रहा है, दिखा। ये देखिए आग बहुत ही अच्छे से जल चुकी है उधर। और अच्छे से आग जल चुकी है कचरे में जो पूनम दी झाड़ू लगाई थी। हाँ ये नीम का पत्ता है, इससे ना बहुत सारा कीटाणु भी भाग जाएंगे और मच्छर भी। एकदम फ्रेश। वहाँ से हम लोग काम कर रहे थे ना, थोड़ी बहुत सफाई बाकी थी तो वो सब कर रहे थे तो थोड़ा टाइम हो गया तो हम लोग ब्लॉग नहीं उतना शूट कर पाए। बस कोई बात नहीं, अभी हम बना लेंगे, है ना। अभी हम लोग सब्जी बना। तो देखिए मुर्गी भी छील ली। आलू बैंगन और मूली की सब्जी तो हम अभी यही बनाएंगे क्योंकि भैया को भी पसंद है, भैया भी खा लेते हैं। हाँ इसलिए नहीं तो हम लोग तो कोई भी सब्जी खा लेते हैं। हाँ ऊपर से हटा लेते हैं और पीछे का भी। नंदी यहाँ छील रही है आलू, आलू छील लिया और अब इसे हम काट लेते हैं। हाँ ऐसे काटेंगे। बैंगन और मूली कट गई है, बस आलू कटेंगे। सब्जी कटकर तैयार है। यहाँ तेल गर्म हो रहा है और यहाँ मिर्ची की कटिंग हो गई है और उधर पूनम दी
मिर्ची भी डाल देंगे इसमें। सब्जी में मिर्ची डाल दी है पूनम जी और बहुत अच्छा लग रहा है। और नमक भी डाल देंगे, नमक स्वाद लोग नमक वगैरह डाल लिए हैं तो पूनम भी चला रही है सब्जी को। अब हम सब्जी में टमाटर डालते हैं, चला देंगे। बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है सब्जी का, ये बहुत टेस्टी बन जाएगी। इसे ढक देते हैं हम। तो रेडी है हमारा आलू बैंगन का, हमारा आलू बैंगन और टमाटर की सब्जी। सो सब्जी बन चुकी है और हम थक गए हैं क्योंकि आज हमने दिन भर बहुत काम किया तो हम थक चुके हैं। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी। अगर आई होप आप लोगों को आज की ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। बाय।